पौधा के जो है बनाए गए हैं। तो अपन यहाँ पे देख सकते हो पूरा गमला पौधा ही सब है, आप देखिए गेंदा फूल वगैरह के, और यहाँ पे मस्त डिज़ाइन बनाए गए हैं पूरा गमला ही गमला के, बहुत अच्छे तरीके से बीच में मोर जो बने हैं देख सकते हो अनारदी, और साइड में देखो पूरा गमला ही गमला के है देख सकते हो अपन है, जो भी बहुत ही अच्छा तरीके से सजाए गए फ्लावर्स हो। अमन भी अब मैत्री गार्डन जाए के प्लान बना था और देखते कि कहाँ है वहाँ पे, और आप मतलब भी बताओ भाई कैसन भीड़ है मैत्री गार्डन। हाँ अच्छा का है भाई, यहाँ से उतर के जाऊँ के बाद पता चली मुझे। तो संगवारी हो हमन अभी मैत्री गार्डन पहुँच गए ना, और पता चली से यहाँ पे कि आज फ्लावर शो है, तो हमन भी फ्लावर शो देखो और संगे संग आपको मतलब फ्लावर शो दिखेंगे, और मैं और मोर देव भाई दोनों साथ में आए बन। तो हमारा पता चली इसमें फ्लावर्स हो करके, तो वही देखते हैं चलो अपन अंदर जाके दिखाते हैं मैत्री गार्डन के। संगवारी हो यहाँ पे इतना भीड़ है कि आप पार्किंग देख सकते हो मोर पीछे कितना है, और टिकट पर्ची जो लेते हैं ओखा पे भी कितना भीड़ है, ले देखे मोला पर्ची मिली से जो कि वही रेट है 10 रुपया, रेट वगैरह बड़े वैसे नहीं हुआ है। और भाई पार्किंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ही भीड़ है आज फ्लावर्स हो था, वो कार के पार्किंग भी देखो कितना ज़्यादा है भाई, और भीड़ भी देख सकते हो कितना है, और अभी टाइम भी ज़्यादा नहीं होते कम है और भीड़ बढ़ते ही जाते हैं, तो हम चलते ना आगे। भाई देखो कितना भीड़ है यार, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, यहाँ से भी देख सकते हो कितना भीड़ है। आगे चल के देखते हैं भाई कि टिकट काउंटर कितना भीड़ है, मुला लगते कि आध घंटा लाइन लगा खड़े लग जी ही। अरे मैत्री गार्डन के प्रवेश द्वार भाई, यहाँ भी पूरी पार्किंग ही है, देखो कितना इतना भीड़ है भाई, भाई देखो कितना भीड़ है भाई मैत्री गार्डन के पास में, और जो प्रवेश द्वार है वहाँ पे देख सकते हो कितना भीड़ है। तो बंद है लेकिन यहाँ पे फोन पे चालू करे गए हैं, तो फोन पे से आप टिकट लेके यहाँ से जा सकते हो, और भीड़ काफ़ी ज़्यादा है देख सकते हो। तो हमारे देव भाई भी अभी टिकट लेकर लाइन पे खड़े हो गए हैं, खड़े जाते फ़ोन पे फिर चलते हैं अंदर। तो आप मन देख सकते हो संगवारी कितना भीड़ है यार यहाँ पे आज फ्लावर शो है, तो मैं भी पहली बार आता हूँ फ्लावर शो देखे पर, और वही मन बैठे हुए और पीछे से देख सकते हो कि कितना भीड़ है बहुत ज़्यादा, और फ्लावर वगैरह दिखा के भी आप मतलब दिखाते हैं कैसे मन है। टिकट कटा के अंदर आ गए हैं, 20 रुपये टिकट रीस है जो कि ऑनलाइन वाली से, और हम बोला एक भाई मिले हैं जो कि भाई बालों से आए है, वो भी यहाँ पर नानी का वारी से पता चली से फाइल है कि यहाँ पे फ्लावर्स होते तो देखे भरा है, तो भाई फर्स्ट टाइम ही क्यों पहली आ चुके थे, 8-9 बार ले आ गया हूँ कहाँ थे तब वो आए से, देख भाई मोर तो पहली बार है रे, तो आप मतलब भी दिखा रहे तो मोर चैनल में मिले लहू कोई तो पता ही, और यार शेर भी है भाई ये देखो शेर जबरदस्त गर्जा थे एकदम जोर से गर्जा थे शेर, ये देखो लड़का मैंने कर मुँह काल भी छू के दिखा दी, ये देव भाई दाँत ला टोड़े बढ़ जावा थे शेर के देख सकते हो, ये जो है फ्लावर्स हो के पूरा जो फ्लावर देखो पूरा एक से के यहाँ पे आप मतलब पेड़ पौधा वगैरह मिल जाते पूरा सब चीज सब सबसे भी होते थी। देखो भाई एक ठोक रोजला भाई 30 रुपये बताई सभी, तो आप मन भी अथोते मिल सकते भाई, और भीड़ देखो भाई भीड़ है गजब, खबर कि मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ और कैसन जो आयो मतलब पता ही कि भीड़ कितना रही थी, लेकिन मोर तो पहली बार है यहाँ पे फ्लावर्स हो देखना मैत्री गार्डन के, तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ है भाई। अब ये देना मोर देव भाई कहाँ थे गोभी भाजी है करके देख सकते हो, लेकिन गोभी भाजी ना एक नाम कुछ अलग हुई, कौन सा नाम है भाई इधर हाँ केवेज हिंदी में क्या बोलते भाई गोभी टाइप के ही नाम है घर कुछ सही बोले मतलब हम देव भाई जो बोली से बहुत अच्छा बोली से देख लो ये रे देव भाई, वे साइड भी देख सकते हो भाई दोनों साइड में पूरा लगे हुए हैं पूरा अलग अलग प्रकार के पौधे हैं यहाँ पे फूल वगैरह के जैसे कि देख सकते हो, ये देख सकते हो गेंदा फूल भी कितना मस्त बड़े बड़े हैं, तो अपन यहाँ से पेड़ पौधे ले जाके लगा सकते हो।
देखो भाई इतना पूरा भीड़ वगैरह सब चीज़ है, और सब झूला वगैरह भी है, बच्चा मन भर बड़े मन भर भी है यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा है यहाँ के जो फ्लावर्स हो है। मोर साथ में भैया देखा तो हूँ आप दया मैं इसने धरे रहूँ, और भाई जो है फ्लावर शो में आया कर वीडियो सब लाइक करूँ सब्सक्राइब करूँ और कमेंट करके जरूर बताओ कि फ्लावर शो कैसे रही थे। फ्लावर शो बहुत बढ़िया है, मन कवरेज भी कर रहा था साथ में दिखत भी है, और भिलाई फ्लावर शो तो नो डाउट बहुत अच्छा ही रही थी, प्रदेश प्रदेश में फेमस है। मैं पहली बार आया हूँ और भैया जैसे बताते हो बहुत बार आ चुके हैं, जब ले भिलाई हो तब ले आता हूँ मैं, और कोने साल में छोड़ दूंगा। ठीक है भैया, चलो जय हिंद जय जवाहर जय छत्तीसगढ़ जय छत्तीसगढ़। तो संगवारी देखो ये महावीर नर्सरी जो भी अपन फ्लावर लाए हैं यहाँ पे फ्लावर शो में, ये महावीर नर्सरी के जो भी ये देख सकते हो, ये देखो भाई मस्त बना है, कौन से पेड़ है मतलब समझ है, लेकिन बहुत अच्छा है, छोटे है लेकिन बहुत अच्छा लगा था। हमें लाओ और अलग अलग से पेड़ दिखा था ना मन, हाँ यहाँ पे देख सकते हो ये महावीर नर्सरी के जो भी पेड़ वगैरह हैं यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो आप मन है ये गमला वगैरह में लगाए पर घर में लगाए पर बहुत ही अच्छा है, और पन यहाँ पे गमला वगैरह भी मिल जाए यहाँ पे साथ में मात्र 250 रुपये के पेड़ पौधा। ये देखो भाई ये बुद्ध जी के प्रतिमा के साथ में, ये तो बोले हम ये पिल्लो मतलब बहुत सारे पेड़ पौधे भाई यहाँ पे, ये देख सकते हो भाई चारों तरफ हमारा पूरा भीड़ भीड़ दिखी है, पूरा फ्लावर्स हो गया जो टेंट वगैरह लगे हैं वो है, तो एक एक टेंट में करके हमारा दिखाओ यहाँ के फ्लावर्स हो जो भी है। हाँ देखो संगी वाटिका नर्सरी के जो भी है फल फूल के यहाँ पे सुबह मैन पौधे यहाँ पे मिल सकते हैं, मतलब आप मैंने यहाँ के भी देख सकते हो भाई की दुकान भी कार्ड वगैरह तो मैं मतलब प्रोवाइड करा दूँगा यहाँ पे, यहाँ पे वीजा वगैरह के भी अपन देख सकते हैं, यहाँ पे कॉइन एंड ओल्ड करेंसी आप मतलब यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे देख सकते हो कि अलग हिसाब से यहाँ पे कॉइन वगैरह है, और इधर कॉइन करेंसी मिल रही है आप मतलब देख सकते हो संगी यहाँ पे करेंसी है जो पुराना बंद हो चुके हैं यहाँ पे, मतलब कभी देखने नहीं मिले वो चीज़ आप मतलब यहाँ पे मिल सकते देखे पर, तो आज यहाँ फ्लावर्स में आप मतलब ये भी देखने मिल रही, देखो भाई यहाँ पे पुराना सिक्का भी है हमारे देव भाई देखा था यहाँ पे, तो यहाँ पे कांटेक्ट करके आप मन कभी भी ले सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे नंबर से लगे हुए हैं जोड़ी में बहुत अच्छा है, लगभग 250-350-300 के आसपास में मिल जाती है आप मतलब, ये देख सकते हो संगवारी यहाँ पे ओम शक्ति फोटो फ्रेम वगैरह के भी है ना दुकान, और इत्र की दुकान सर शांति कॉम्प्लेक्स शांति नगर सड़क और कालीपाड़ी पर वैशाली कर भिलाई में भैया मन की दुकान है, तो यहाँ पे आप मन देख सकते हो इत्र बहुत सारे हैं, देखो भाई इत्र यहाँ पे सुगंध बहुत अच्छा से आते हैं, देखो फ्रेम की दुकान यहाँ पे फ्रेम वगैरह बहुत बहुत सारा अच्छा है, देखो तरीका से ये देखो मैडम की दुकान ओम शक्ति के नाम से है, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट वगैरह भी है, तो आप मैं कभी भी जरूरत पड़ी तो ये नंबर में कॉल करके यहाँ पे संपर्क कर सकते हो, आप संपर्क कर सकते हो जैसे अपना लकवा गर्दन ये सब चीज़ की है तो, और ये का टीम जो बैठे यहाँ पे उपलब्ध उपचार की सुविधाएं आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या चीज़ अपना सुविधा मिल रही है, ये पूरा देख सकते हो अपना देखते हो पूरा लकड़ी के बने हुए ये घर हरे, और एक कैंडल और ये छोटे से घर, ये गाड़ा भी ले जो कि अब गांव भी देखने नहीं मिले देख सकते हो आप मैं, और ये अभी देखो भाई देखो कितना भीड़, ये है जो फ्लावर्स हो यहाँ पे दिखा था भाई, और भीड़ कितने हैं वो मन देख सकते हो कितना भीड़ है भाई यहाँ पे, सब डिज़ाइन वगैरह बनाए भाई ये भी मस्त बना है देख सकते हो चारों तरफ कितना अच्छा से पूरा बने हुए हैं, और ये सब बना के लेकर शिखर कुछ इनामी वगैरह भी दे जाते हैं यहाँ पे, और चारों साइड भीड़ भीड़ भाई देखो भाई अयोध्या मंदिर बना है यहाँ पे बहुत ही अच्छे बने हैं, और इस साइड भी पूरा फूल वगैरह के लिए तो हमें आगे भी हमें दिखाओ कैसे हैं, इस साइड भी देखो भाई बहुत ही अच्छा सजाए गए हैं, और एक नज़ारा फिर से अलग अलग जो टेंट लगे होकर मन के हकीकत में काफ़ी बहुत ही भीड़ है, आप मतलब भी आगे चल के मौका मिलते तो ये साल तो नहीं अगले साल भी आप आके देख सकते हो, इसे ये देखो भाई यहाँ पे भी अलग अलग प्रकार से सब बना सकते हैं, डिज़ाइन वगैरह बहुत ही अच्छा दिखा बहुत ही अच्छा बने यहाँ पे ना, यहाँ पे हमारे देव भाई डायरेक्टर इंचार्ज इन DSP देखो भाई बहुत ही कमाल के बनाए हैं, अच्छा भी देखो आर्टिस्ट भी या विकास यहाँ पे भाई एक और रंगोली है जो कि लॉयन शेर के देख सकते बहुत ही गजब बने भाई, हकीकत में ऐसे लगा था कि कुछ पेंट करे गए जबकि ये रंगोली है, ये देखो
और एक भाई ये खाना के पूरा सामग्री ये है बोलते थे ना मैंने 3D रंगोली सबो साइड में चारों साइड से दिखाऊँ मैं ये और रंगोली देखो भाई कितना अच्छा लगा था ये देख सकते हो एक और रंगोली मोरपंख के साथ में बहुत ही प्यारा लगा था। और यहाँ पे अभी जो श्री रामलला की जो स्थापना हुए हैं वो भी आप मतलब देखे मिल जी ये देख सकते हो कितना प्यारा बने हैं ये देखो जय श्री राम। तो संगवारी हूँ और वीडियो लाइक करो कमेंट करो शेयर करो और जो वीडियो में नया था मन संगे संग सब्सक्राइब भले कर हो किया ये देखो एक और ये और रंगोली भी बहुत ही प्यारा बने हैं। और ये जो चंद्रयान जो अभी गेरी से हमारे भारत से वो कर हमारा अभी तो संगवारी हमारा अभी 3D रंगोली देखा था जिनमें कि आप देख सकते हो चंद्रयान जो गेरी से अगर से पहले अपने चंद्रयान वाले दिखा और पूरा चारों साइड के आप मतलब दिखा डाले हैं वहाँ तो आगे और चलता ना मना आगे और जो भी है वो आप मतलब दिखाया जाओ। और ये बताया जैसे कि मोर साहब देव भाई है ये भी एक शूटिंग करा थे थोड़ा थोड़ा फोटो भी ले जाते अभी सेल्फी स्टिक लेके भाई गजब। तो यहाँ से आप 3D रंगोली समझते हैं आप दूसरे जगह चलते हैं वहाँ के भी दिखाओ मतलब एक और अपन जहाँ बनाने रील्स वगैरह उखाले भी बहुत ही अच्छा है मोबाइल पे लगाओ और शूटिंग करो आराम के साथ में 360 व्यू के लिए बहुत ही अच्छा है। तो भाई मैंने यहाँ पे जो शूटिंग करो थे ये भाई देखो 360 का नाम है जो यहाँ पे जो खड़े हो जाए उखड़ बना कैमरा लगाओ और घूमते रहो उखड़ बता आपकी 360 जो फोटो है वो बन जाते हैं। और जैसे कि ये 360 में आप देख सकते हो कि मैत्री गार्डन के जो लुक है बहुत ही अच्छा दिखा था फ्लावर्स होकर दिन है 4 फरवरी जो कि बहुत ही प्यारा और भाई सब आर्टिफिशियल मतलब उनके दुकान लगे साइड भी लगे हुए हैं ये सब दुकान वाले मन के हरे जो कि देख सकते हो पीछे पूरा मन के एड्रेस वगैरह लिखे रहता अपन कभी भी जाके यहाँ से ले सकते हो। भाई बेल्ट वगैरह भी है यहाँ पे देखो मास्क वगैरह भी है सब चीज़ ये सब लेकर मन के खेले गए घड़ी वगैरह भी है बहुत अच्छा एक करुणा स्व सहायता समूह के द्वारा यहाँ पे भाई कपड़ा की सप्लाई भी है और ब्यूटी प्रोडक्ट वगैरह भी बहुत सारा है। और एक और ये देख सकते हो छत्तीसगढ़ उड़ान नई दिशा संस्था महिला जागृति मंच के द्वारा भी यहाँ पे बहुत सारा मतलब प्रोडक्ट वगैरह मिल जाते हैं यहाँ पे लड्डू वगैरह भी है जो आप घर में नहीं बना सकते हो यहाँ से ले सको लेकिन कुछ भी वगैरह है जो 65 रुपीज़ में मतलब मिल जाते हैं जो भी यहाँ पे मिलते हैं पूरा लिस्ट और भी मन की दुकान है। और जैसे कि भाई बताइए एक सर बहुत ही अच्छा जो कि पारंपरिक व्यंजन छत्तीसगढ़ के हमारे तो हमारे भैया बता थे कि अभी बहुत ही फेमस आइटम जो भी है एक हर संस्था के 28 प्रकार के ड्राई फ्रूट्स डलते हैं इसमें ये कोई भी खा सकता है साल भर। ये कैसा ये जो है बहुत ही प्यारा है अपन भी ले सकते हो इला मैं खैर जो भी नाम है आप मतलब डिस्कशन में दे देंगे सब दे सकते साल भर तक भी रख सकते हैं कोई दिक्कत एक साल तक रखो कुछ भी नहीं होगा भैया का कहना है और फ़ायदा है हमारे शरीर के लिए तो यूज़ करना बनता है तो आप भी इनके दुकान पे आके ले सकते हैं। खैर आज तो मैत्री गार्डन पे ही है हमारी वो देख सकते हो कि अलग अलग बॉटल में आप मतलब अलग अलग यहाँ पे फूल वगैरह मिल जाएगी फ्लावर्स हो मात्र आज के 4 फरवरी के हमें रिंडे के में देखो यहाँ पे गुलाब फूल रखे गए हैं और अलग अलग बॉटल है सब पेप्सी वगैरह के हैं और छोटे छोटे कुछ कुछ और बॉटल में अपना यहाँ पे सजे मिल रही है पूरा यहाँ पे फ्लावर्स बहुत ही अच्छा तरीके से सजाए गए हैं। आपन भी आना कभी भी आज तो नहीं हो सके तो अगले साल आप मैं जरूर रहूँ बहुत ही भाई यह पानी बॉटल रखे पर थोड़ा बैग वगैरह देखा थे जो कि मस्त यहाँ पे जो छोटा नागपुर क्रॉप के द्वारा बने बहुत ही अच्छा अलग अलग प्रकार से यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बैग्स वगैरह भी है तो यहाँ से अपने इसको नंबर में मैं संपर्क करके कभी भी आपने जरूरत पड़ती तो आके ले सकते हो यहाँ पे बहुत सारा वैरायटी आप मतलब मिली देख सकते हो टेम और भाई कट लेते छवे अभी तक ले नहीं है लेकिन ये देखो एक और शॉप जहाँ पे आप मतलब मिलती है ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह खासकर लड़कियों के लिए यहाँ पे अपन बहुत सारा ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिली तो आप जो नंबर दिए उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते तो अपने यहाँ पे देख सकते हो पूरा गमला पौधा ही सब देखिए गेंदा फूल वगैरह के और यहाँ पे मस्त डिज़ाइन बनाए गए पूरा गमला ही गमला के बहुत ही अच्छे तरीके से बीच में मोर जो बने हैं देख सकते हो और इस साइड में देखो पूरा गमले ही गमले ठीक है देख सकते हो मन है जो भी बहुत ही अच्छा तरीके से सजाए गड्ढे कितना अच्छा। हाँ भाई तो घूमत घूमत हमें लग गया थोड़ा भूख और प्यास तो हम आ गए यहाँ पे पॉपकॉर्न लेबर और पानी की बॉटल अभी यहाँ पे देखेंगे रुपये यहाँ पे पानी बॉटल और पॉपकॉर्न के रेट जो भी तो समझ रहे यहाँ पे पानी बॉटल मात्र 20 रुपये ये देख सकते हो संगवारी पानी के बॉटल जो ले हैं बिस्लेरी छोटा भाई सिलेरी जो कि 20 रुपया भाई यहाँ पे और अगर सीजन भी है तो उतना तो बनता है बोला थे और भीड़ तो आप मन देखे हो कितना काफ़ी है तो आओ कुछ हो ही तो आप मतलब दिखाते हैं ना आगे चल के तो कि मैंने इतना
तो संगवारी मन इतना पहली कहाँ बैठ के देखो खाना वाना धर के आए तीसरे रखे और सामने हमारे से कुछ गाना के सुनाई देते तो हमन वहाँ डर भी जाके दिखाबो कि कहाँ होते और ये देखो तो भीड़ देखो भाई नज़ारा बहुत ही गजब है पेड़ देखो पे एक और गार्डन जहाँ पे अब सो है ऐसे तो पहले अंदर जाके घूम सकते हैं लेकिन आज फ्लावर सो है देख रहे यहाँ पे लॉक करेंगे है ताकि कोई अंदर मत जा सके जो भी है बाहर से देखो ये है एक बार तो संगवारी एक बार पूरा देख सकते हो और ये कागज फूल के कितना मस्त दिखा था भाई अरे देखो भाई कितना अच्छा नज़ारा है भाई चारों तरफ क्या मतलब पूरा नज़ारा दिखा मतलब भीड़ बहुत अच्छा है और फर्स्ट टाइम मैं फ्लावर्स अपने पहली बार और बता चुके हूँ कितना अच्छा दिखा था यहाँ पे देखे भर आया है भाई जो भी देख सकते हो देखो BSP इंचार्ज के यहाँ पे पूछ ही चले थे कि कैसे कैसे बने जो भी वाला बता बात करें देख सकते हो मन पहला लड़ा था वह घोड़ा है और ये डायनासोर जो यहाँ पे ना कछुआ के ऊपर में डायनासोर मस्त दिखा था वह अपन भी आके देख सकते हैं मैत्री गार्डन बिलाई पे देखो यहाँ के पेड़ वगैरह की खूबसूरती बहुत ही अच्छा है तो यहाँ पे भाई सेल्फी वगैरह बहुत सब लेवा था वह माहौल है बहुत सारा फोटोस वगैरह लाइट वगैरह भी जो नाइट में थोड़ा सा बहुत ही अच्छा लगी चढ़ने पर अब आप मतलब पास से दिखाओ देख सकते हो कितना अच्छा लगा थे भाई डायनासोर अब सामने से एकदम पास से दिखाऊं मैं आप मतलब तो कितना मस्त लगा थे ये शेर वगैरह भाई कितना प्यारा लगा थे देख सकते हो चारों साइड अब मतलब बहुत सारा फूल दिखी सबसे पहले मैं डायनासोर अब मतलब दिखा देता हूँ कितना मस्त लगा था भीड़ हो तो देखो इतनी भीड़ भाई ये देखो डायनासोर डायनासोर पर मैं फूड वगैरह कैसे और एक गमला देखो भाई मस्त लगा था ये देख बहुत ही अच्छा सजाया वहाँ पे पानी वगैरह के बीच झरना टाइप के चले थे वो भी दिखाऊँ मैं फ्लावर्स हुए तो एक से फ्लावर अच्छा तरीके से सजा रखे बहुत ही अच्छे लगे ये देखो एक और फ्लावर और यहाँ पे घोड़ा ला ले गए भाई मस्त लगा थे घोड़ा भी देखो ये देख घोड़ा हालत डोलत भी है ये देखो भाई दो बैलों का लड़ाई चल रहा है भाई यहाँ पे ये वाटर शो बहुत ही अच्छा इसमें अगर पानी वगैरह रहती है ना भाई तो बहुत अच्छा लगती है लेकिन यहाँ पे पानी वगैरह भी डाले नहीं है तो ना मज़ा नहीं आते लेकिन जो यहाँ पे जो चले थे वो अच्छा लगा था एक बार ये पूरा व्यू देखो आप मन ना बहुत अच्छा लगा था ये देख सकते हो संगवारी हो गवर्नमेंट वगैरह सब आए हैं यहाँ पे भाई भाई सब कार्टून चैनल इधर ही आ गए हैं भाई देख सकते हो लाइक करो कमेंट करो सब्सक्राइब करो ये देखो जय कृष्ण भगवान यहाँ पे थोड़ा सा पानी वगैरह चलती है ना तो बहुत ही अच्छा लगती है और यहाँ पे हंस भी बनाए गए हैं तो देख सकते हो भीड़ तो गजब है भाई यहाँ पे ये देव भाई ला देख सकते हो मोबाइल कोच का खड़े भाई अभी स्ट्रिक में लगा दे कैमरा हाय भाई देख सकते हो हमारे देव भाई है मोबाइल में कर कोने पोना थे नहीं मालूम कितना जन गर्लफ्रेंड पाल के रख रहे हैं भाई अरे भाई मन भी खूब इंजॉय करत हवे एकदम मतलब फ्लावर्स होके खूब मजा लूटा थे भाई मन है और हंस वगैरह भी इनसाइड बने देख सकते हो पीछे म्यूजिक भी चला था भाई तो मिलता ना मतलब फिर सब देव थे घुमा के भी तो आज अपना फाइनली 1,00,000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट हो गया है इसी बात ठीक है भाई बहुत जल्दी हो जाएगी क्या चैनल है भैया प्रदीप शर्मा को संगवारी कितना भीड़ है पूरा भाई सब बैठे बैठे भी है मजा भी करते थे अपन जो खाए भी के लिए वो भी खाद भी है गजब के माहौल है यहाँ पे बहुत ही बढ़िया
संगवारियों देख सकते हो यहाँ पे मैत्री बाग आपका हार्दिक स्वागत करता है। यहाँ पे गाना वगैरह म्यूजिक के प्रोग्राम बनाए गए हैं और काफी भीड़ भी है, देख सकते हो गाना भी चला था मैं। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, पब्लिक वगैरह भी है और सब। भाई गाना बहुत अच्छा गावत है यार। गाना वाना चले थे इधर से दूर आ गए हैं ना। और आप मतलब एक चिड़ियाघर के एक अलग से वीडियो बना के मैं दिखाऊं ताकि वो प्रॉपर आप मतलब समझ आ सके। खबर की आज हम हैं फ्लावर शो देखे बढ़ते हो, यही में ही बहुत टाइम हो जी, तो चिड़ियाघर के एक वीडियो आप मतलब दूसरा बना के दूंगा। ठीक है, मतलब बता रहे हैं कि अभी लाइट वगैरह भी डेकोरेट करे गए तो हमें बहुत अच्छा लगे थे, और जैसे जैसे थोड़ा अंधेला हुई तो बहुत ही अच्छा लगी। अभी तो खैर शाम हो यहाँ पे देख सकते हो, तो फिर भी बहुत अच्छा लाइट वगैरह चल गए। तो और हमारे देवा भाई अपन सेल्फी ले में बहुत बिजी है भाई। हमन मैत्री गार्डन बहुत टाइम से, अभी टाइम होने वाला है 6 बजने वाला है, तो अपन लोग कुछ कुछ और दिखा सन उखर बाद से। तो समझ हमन है 1 बजे के आए, अभी 6 बजने वाला है और बहुत सारा फ्लावर्स वगैरह हमन देखे हैं, फूल वगैरह के फोटो भी बहुत ले हैं और वीडियो भी बहुत अच्छा बना है ना। हमन सब लोग वीडियो में देखे ला मिली सब चीज़ें, और अभी हमें देखे और का कुछ है तेला, और बहुत सेल्फी वगैरह ले हैं भी, और यहाँ सब सेल्फी ही ज़्यादा लेवा थे काबर की वही जगह भाई बहुत ही अच्छा लगी से यहाँ पे आके घूम के। आपन भी अगले साल आना, विजिट करना, बहुत अच्छा है। और कुछ कुछ वही तो अभी दिखा था मैं तो अभी तो भाई सब अभी भी सेल्फी फोटोस वगैरह सब चला था वह गार्डन में भी देख सकते हो, तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ है अभी तक के भी 6 बज के फिर भी मैं करता हूँ। तो संगवारी देख सकते हो जैसे कि अभी लाइट वगैरह भी बहुत अच्छा से चालू हो गए जल के, और ये एक सामने दिखते आप लोग कुतुब मीनार के नीचे में ये अच्छा से फुहारा बहुत ही अच्छा लगा थे देख सकते हो, बहुत ही प्यारा है भाई, बहुत अच्छा। यहाँ पे फूल वगैरह से भी है, बाकी बहुत अच्छा लगा थे। अरे भाई मन सेल्फी वगैरह लेते मस्त, ये भाई अगर सेल्फी लेते बहुत अच्छा तरीके से फोटो वगैरह शूट भी चले थे यहाँ पे, और बाकी बहुत ही अच्छा है सब साइड की घूमना वगैरह भी। भाई देख सकते हो ये रास्ता जो मैत्री गार्डन के अंदर आए के कितना भीड़ है अभी भी, और बहुत ही अच्छा लगा था क्योंकि पहली बार आया हूँ, ये बार बार चीज़ बोला था मैं कि बहुत अच्छा है। देखो भाई ये थमर भाई पूरा सेल्फी ले में मुहा आ गए है आज एकदम, जहाँ देख वहाँ सेल्फी स्टार्ट करते हैं। देखो कार वगैरह भी आना चलो, लाइट वगैरह गजब लगे भाई, गजब गजब इतनी सुंदर है। चलो इडार से थोड़ा घूम के अभी आ जाते हैं, इडार भी कुछ हुई दिल पार्किंग वार्किंग बस दिखाते तो भाई के इडार ले जाओ भाई के, अब चेंज कर देते हैं रास्ता ला, देख सकते हो मस्त लगत भाई, लाइट वगैरह भी आप देख सकते हो, ये जो फूल मस्त है, जो टेंट वगैरह लगे थे पीछे साइड है और इडार लाइट वगैरह तो अभी रात में मस्त लगत है, मैं देख सकते हो कितना प्यारा कितना खूबसूरत है। और अभी लोग आते ही जाते हैं, शायद अभी कुछ प्रोग्राम वगैरह भी है तो अगर हुई तो अगर मैं रुका रहा हूँ तो मतलब दिखा भी दूँ। ये देखो मस्त बना है लाइट से, बहुत ही बढ़िया दिखाते। और अभी एक जगह और कुछ खुले हैं वहाँ पे भी चलता ना मैं, जब देखो यहाँ पे कार्यक्रम वगैरह भी चल रहे हल्बी सॉन्ग या हल्बी गाना वो कर हिसाब से ही चला था वे, और बहुत
काफी अच्छा लगा थे, भीड़ भी काफी अच्छा है, नाइट हो गया उसके बाद भी बहुत अच्छा खासा भीड़ है यहाँ पे। बहुत ही शानदार प्रस्तुति, बहुत ही अच्छा लगा था यहाँ पे, और आखिरी प्रोग्राम है यहाँ के ओकर बाद फिर कार्यक्रम के समापन हुई मस्त, बहुत ही बढ़िया थी। ये हमारे देव भाई घर जाबो करके एकदम जल्दी जीत करे थे, तो थोड़ा देर पे हमन घर भी निकल जाबो। ये देखो मतलब हल्बी गाना, बस्तरिया गाना, ये सब में बहुत ही अच्छा प्रस्तुति देता। तो संगवार यहाँ पे फुहारा वगैरह भी चले थे पूरा मस्त, नाइट के व्यूज है बहुत ही बढ़िया है, और कैंडल वगैरह, ये माउस जो कूड़ादान है रे तो बढ़िया लगा था गजब भाई, ये कैंडल ही कैंडल आप देख सकते हो। और अभी हमन यहाँ घर जाए पर बाहर निकला था, देखो फुहारा भाई गजब है सुंदर। फर्स्ट साल के जो एक्सपीरियंस रहे थे बहुत बढ़िया रही है मोर, अगले साल आवा हूँ, आप मन भी आओ, और वीडियो ला लाइक करूँ, कमेंट करूँ, सब्सक्राइब करो करूँ। और भारत के नक्शा पूरा तीनों कलर में रखे गए हैं, और बहुत ही अच्छा दिखा था, जो लाइट वगैरह बहुत लगी दिख सकते हो, मैंने जूम करके भी दिखा देता हूँ, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा भाई। पार्किंग में आ गया मैंने, और इधर तो थोड़ा खाली लगा था, गाड़ी निकालते हैं तो पता चली कि कहाँ है भीड़ है सामने की कहाँ है। वैसे थोड़ा लेट से मन है बाहर आया ना, तो इतना ज़्यादा भीड़ के सामना करे नहीं पड़ी भाई। हम निकल गए हैं मैत्री गार्डन से अभी, और गाड़ी में है, देख सकते हो कितना पीछे जाम है, सामने भी जाम है भाई, बहुत ज़्यादा। अभी हमन आ गए ना अभी तालपुरी रोड, जो सीधा फुलगांव जाते हैं या फिर अरे हरे रुआ बांधा, ये रुआ बांधा के मार्केट देख लो भाई, आज बजाने तो बहुत भीड़े थे रोड। अरे भाई देख सकते हो पंथी चौक, और हम जाते फुलगांव होके जाबो अपन घर, जो रोड जाते फुलगांव के लिए सामने तालपुरी पड़ी है। तो भाई तालपुरी है, रोड चौक एडाल से जाते सेक्टर 9। देखो भाई भाई एक गाड़ी चला चला मस्त डांस कर भाई, देख सकते हो ठेगड़ा बांध, देखा वीडियो भी आप बहुत जल्दी मिल रही है, और चैनल में प्रदीप शर्मा ब्लॉग में चैनल लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। देखो ये ठेगड़ा बांध थी थोड़ा सा झलक, पूरा वीडियो जल्दी है। ये देखो ठेगड़ा बांध के फिर से फ्लाई उतर, ये चौक जो कि सामने तालपुरी जाते हैं, और डर से दुर्ग नवा दुर्ग गढ़ नवा दुर्ग लिखा है जगह भाई, ओला इलेक्ट्रिकल स्कूटर के शोरूम विजिट कर सकते हो आगे यहाँ भी। ये भाई पहुँच गए नमन महाराजा चौक, और हमारे कुछ कभी तक खाने नहीं मिली सब है, जहाँ भी जो खाना है मोमोस वगैरह वो नहीं मिलता था, गुपचुप वगैरह मिलते। ये महाराजा चौक, यहाँ से भी आप दुर्ग अंदर जा सकते हो रोड से, और ये साइड से आप जा सकते हो धनोरा वगैरह गांव, और ये वाले जो रोड जाते सीधा दुर्ग के लिए, दुर्ग से होते हुए फुलगांव, फुलगांव से फिर राजमंगांव। तो भाई आगे द फूड स्टूडियो यहाँ देख सकते हो, द फूड स्टूडियो अब जय भवानी पावजी सेंटर वगैरह, और आगे वो चल के देखते हैं कहाँ मिलते खाए बार फिर। ए भाई मिली मतलब यहाँ पे मोमोस सब यहाँ पे खाता हम, फिर ओके बाद चलते हम फिर आगे। ये हमारे देव भाई औका कुछ देखे लगे अभी उधर, अभी हम ना फूड स्टूडियो में रुपये कुछ खाए पर, क्योंकि हमारे देव भाई कुछ देखे पर गए, और सामने है किंग मोमोज सेंटर, हो सकते हैं मोमोज भी खा सकते हैं। द कुछ मिले भाई बता, द फूड स्टूडियो के लोकेशन आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया है, और जो भी आप मतलब खाना वगैरह यहाँ के रहते हैं महाराजा चौक में ही हैं दुर्ग, और हम अभी मोमोज के वेट करते हैं जो कि अभी बना था भाई। हमारे देवा भाई खड़े, ए भाई देवा भाई अभी मोमोस ले पर गए, लेकिन अभी तक खड़े कुछ बोल भी नहीं कर रहे थे भाई, भूख लगा थे बहुत। ए भाई हमारे मोमोस लग गए, ए भाई मोमोस भाई आ गए हमारे मोमोस, ये देखो भाई बहुत गर्म है, टेस्टी भी ठीक है, आप आके ट्राई कर सकते हो यहाँ पे भी।
ये देखो भाई चाइनीज पकौड़ा हमारे आगे है, दूसरा प्लेट मोर देवा भाई तो बिला है, और ये चाइनीज वाले भैया खाता नहीं, बात खाए के बाद सीधा मैंने घर निकल पाऊँ। देखो भीड़ काफ़ी अच्छा ही है यहाँ भी, यहाँ से खा हम यहाँ से खा के निकला था ना, देखा आगे थोड़ा चाय पी के बिचारे तो कहाँ रुकना बनते थे भाई, गर्मा बाजार अभी तक लगे हुए हैं आगे देख सकता हूँ, एक दो दिन में बंद हो जाती थी। देखो भाई कितना भीड़ है रोड आज तो इधर उधर के, ये देखो भाई गाड़ी अंदर से भी सारा छोटे बच्चा टाटा कर रहे थे कॉलर्स बच्चों का हॉस्पिटल गाँव चौक सुमित, ये देख सकते हो यहाँ पे ये गाँव चौक सीधा जाते राजनांदगांव, ये जाते गुंडरदई तंतरी, और ये साइड जो है वो जाते दुर्ग भाई फुलगांव कृष्णा पब्लिक स्कूल जो कि महिंद्रा शोरूम के पास में है, यहाँ पे सामान वगैरह मिलते तो ले सकते हो आगे ठाकुर होटल से, सब वाकिफ हो भाई बहुत बढ़िया चाय वगैरह पिकनिक करवा के चलो भाई। देखो भाई अभी हमारा बड़ा मिर्ची भजे लेवर गए टोकन यहाँ पे दे भैया, ये भाई कचौड़ी मिर्ची भजे डाल कर समोसा कर दिया, ये किचन कर ये भाई देख सकते हो अभी मैं ठाकुर होटल में चाय ले लेंगे, ये भाई हम चाय पिए और मतलब अपनी कपड़ों सीधा घर, तो वीडियो ले यहीं पर मैं यहाँ लास्ट कर रहा हूँ, हमार वीडियो ला लाइक करो कमेंट करो शेयर करो और संगे साथ सब्सक्राइब करो, जितना भी वीडियो देखो मैं तो लगे बनाए रखूँ, और जो नवा था तो मैं सब्सक्राइब जरूर करो चैनल पर ताकि ऐसा टाइप की वीडियो मतलब हमेशा देखे पर मिले रहे और चैनल में। जय राम जी की।